हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित बंगाल। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है चाओ चाओ डॉग ब्रीड। इस वीडियो में हम टोटल चार पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला पॉइंट हिस्ट्री एंड ओरिजिन, दूसरा पॉइंट क्वालिटी, तीसरा पॉइंट क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है, और चौथा पॉइंट प्राइस। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो है हिस्ट्री एंड ओरिजिन। इस पॉइंट पे एक्सपर्ट्स के दो ओपिनियन है। पहला ओपिनियन ये है कि ये डॉग 2000 ईयर पहले से चाइना से बिलोंग करता है, और सेकंड ओपिनियन ये है कि ये डॉग 3000 ईयर पहले से आर्कटिक एशिया से बिलोंग करता है, और वहां से ये माइग्रेट करके मंगोलिया आया, मंगोलिया से साइबेरिया, और साइबेरिया से ये चाइना आया। सेकंड, एक और इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ हिस्ट्री के अंदर, कि ये डॉग 1820s में इसे लंदन जू में एग्जीबिशन के तौर पर रखा था। क्या लिखा था उसके आगे टॉपिक, कि ये चाइना का वाइल्ड डॉग ब्रीड है। अमेरिकन केनल क्लब ने इसे 1903 में रजिस्टर्ड करा था। ये 75th मोस्ट पॉपुलर डॉग है अमेरिकन केनल क्लब के हिसाब से अमेरिका के अंदर, आउट ऑफ 195 डॉग ब्रीड। इसे हिस्ट्री में किस पर्पस के लिए यूज करते थे, इसे यूज करते थे एज अ वॉच डॉग, और एक और इसका मेन पर्पस ये था कि ये ना जो कैटल होती थी और शीप्स होती थी उसको गार्ड करता था, गार्डिंग के पर्पस में यूज करते थे। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, क्वालिटी। इस डॉग ब्रीड में एक रेयर चीज है, इसकी टंग के जो शेड है वो ब्लू और ब्लैक कलर की शेड है। इसकी आईज है वो आलमंड शेप आईज होती है। इसके जो कोट है वो स्मूथ और रफ दोनों टाइप में मिलता है। इसका कोट कलर 5 टाइप के होते हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू, सिनेमन और क्रीम कलर। और जो इसके कोट कलर है वो सिंगल कलर होता है, मतलब मल्टी कलर और ट्राई कलर नहीं होते, पूरी बॉडी एक ही कलर की होती है। इसके जो आइडियल हाइट है वो 17 से 20 इंचीज होती है। वेट है 20 से 32 केजीज है होता है, और लाइफ स्पैन है इसका 8 से 12 ईयर्स। और इसके एक और मैं पॉइंट बताता हूं मैं, कि जो ओनर्स है जो इनके डॉग्स के चाओ चाओ के, एवरेज में एक बात बताई उन्होंने कि जो इसका डॉगी ओडोर होता है ना, वो इस डॉग ब्रीड के और डॉग ब्रीड्स के कंपैरिजन में कम होता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के, कि क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है। पहला पॉइंट, इस डॉग को आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल एक्सरसाइज इसके लिए इनफ है, जैसे डेली वॉकिंग। सेकंड पॉइंट, ग्रूमिंग के लिए आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इसका डबल कोट होता है, तो इसलिए कम से कम वीक में 3 बार तो ब्रशिंग की जरूरत है इसे, और कम से कम मंथ में 1 बार बेदिंग की जरूरत है, ताकि इसके जो कोट और जो इसकी स्किन है वो हेल्दी रहे। थर्ड पॉइंट, इसको कोल्ड टेम्परेचर पसंद है, गर्मी इसको पसंद नहीं है, गर्मी इसे सहन भी नहीं होती है। अगर किसी को इसको लेना है और वो गर्म टेम्परेचर में रहता है, तो आपको इसको कूलर या एसी प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। ये डॉग अपार्टमेंट के लिए बेस्ट है, गुड डॉग है अपार्टमेंट के लिए। सिटीज के अंदर कोई डॉग रहते हैं जिनको अपार्टमेंट में रहते हैं और उनको डॉग लेना, तो आप इस डॉग की तरफ जा सकते हैं, ये बढ़िया है उसके लिए। ये डॉग फैमिलीज के साथ बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, गार्डिंग पर्पस के लिए यूज होता है। ये हिस्ट्री में भी ये मतलब गार्ड करता था शीप्स को और मतलब लाइफ स्टॉक को, तो आप अगर ऐसे गार्ड डॉग या वॉच डॉग लेना चाहते हो तो आप इस डॉग को ले सकते हो। छोटे पपीज को आप ट्रेनिंग करवाओ, सोशलेबल बनाओ, तो ये फैमिलीज और छोटे बच्चों के साथ भी अच्छी तरीके से रहता है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो है प्राइस। चाओ चाओ डॉग ब्रीड का प्राइस इंडियन मार्केट में 30,000 से 50,000 के बीच में आपको एक अच्छी क्वालिटी का चाओ चाओ ब्रीड अवेलेबल हो जाएगा। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।